ये है ओल्ड न्यू हुंडई क्रेटा का डीजल बेस वेरिएंट, जिसकी एक्सोन प्राइस स्टार्ट होती है 12.89 लाख रुपीज़ से। ये है इसकी फ्रंट की प्रोफाइल, फ्रंट में आपको डीआर देखने के लिए मिल जाती है पर कनेक्टेड देखने के लिए नहीं मिलती। नीचे ना आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाती है। सेंटर में जो ग्रिल मिलती है ये भी आपको बड़ी देखने के लिए मिल जाती है। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इसमें मिल जाता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 140 bhp और 250 Nm का टॉर्क। और ये है इसकी साइड प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल में कोई एलॉय व्हील देखने के लिए नहीं मिलते। मिरर को आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट नहीं कर सकते, नहीं आप फोल्ड कर। चलते हैं रियर प्रोफाइल में, रियर एक्टिव टेल लाइट देखने को मिल जाती है, ना ही कोई वाइपर मिलता है, ना ही डिफोगर, ना ही शार्पिंग एंटीना देखने को मिलता है, ना ही कोई कैमरा देखने को मिलता है, पर पीछे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके इंटीरियर तरफ। डोर भी यहाँ पे डोल टोन में देखने के लिए मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है, सीट को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है इसका पूरा इंटीरियर। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है ये भी टॉप एंड जैसा सेम देखने को मिल जाता है डिजिटल। स्टीयरिंग पर कोई कंट्रोल नहीं मिलते, खाली आपको MID कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, कोई टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, मैनुअल AC कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, नीचे चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाते हैं। इसमें मिलता है आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसकी रो में, सेकंड रो में भी आपको अच्छा खासा कंफर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे नीचे 2 AC वेंट देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ, यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है।